मूर्तियों के चमत्कार। दोस्तों, हमारे समाज में और दुनिया के हर कोने में समय समय पर ऐसी घटनाएं घटती रहती है जो देवी देवताओं को मानने वालों के लिए आस्था के बढ़ने का कारण बनती है। लेकिन वे लोग जो देवी देवताओं में आस्था नहीं रखते या कम आस्था रखते हैं, ऐसे लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक इन घटनाओं पर तर्क देते हैं और देवी देवताओं की उपस्थिति या उनके चमत्कार की बात को खारिज करते हैं। आइए आने वाले वीडियो में बात करते हैं बीते समय में घटी ऐसी चंद घटनाओं की। नंबर एक। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले भारत में प्रतिमाओं के दूध पीने की बात जंगल में आग की तरह फैली थी। बिना किसी संचार माध्यम के लोगों ने एक दूसरे को इस घटना के बारे में बताया था कि गणेश जी की प्रतिमा दूध पी रही है। बस फिर क्या था, इसके बाद पूरे देश में लोग कटोरी में दूध भरकर चम्मचों से गणेश जी कान्हा जी की प्रतिमा को दूध पिलाने लगे। खास बात यह रही कि ये प्रतिमा चम्मचों में रखे हुए दूध को भी पी रही थी। केवल भारत में ही नहीं बल्कि ये घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय में वैज्ञानिकों का कहना था कि मिट्टी की मूर्ति दूध जैसे तरल पदार्थ को सोख लेती है, मगर भगवान में भरोसा रखने वाले भक्तों का कहना था कि धातु की मूर्तियां भी दूध पी रही थी। उन्होंने इस वैज्ञानिक तर्क को नकार दिया और घटना को भगवान का चमत्कार और उनकी कृपा मानकर स्वीकार किया। आप इस घटना के विषय में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं उस वक्त बहुत छोटा था और मैंने पीतल की गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाया था, मुझे याद है। नंबर दो। जीसस क्राइस्ट की एक प्रतिमा कैथोलिक प्रोसेशन के लिए लाई जा रही थी। लोगों की एक बड़ी भीड़ साथ चल रही थी। कई कैमरे इस दृश्य को रिकॉर्ड करने में लगे हुए थे। उस दौरान एक ऐसा दृश्य कैमरे में कैद हुआ जिसमें देखा गया कि जीसस क्राइस्ट की एक प्रतिमा जिसके कंधे पर क्रस रखा हुआ है, उस प्रतिमा ने अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाया। इस घटना ने जीसस क्राइस्ट के मानने वालों का विश्वास उनमें और बढ़ा दिया, जिसने इस बात को बल दिया कि उनके इस प्रोसेशन में जीसस क्राइस्ट उनके साथ है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इस घटना को जीसस क्राइस्ट का चमत्कार या प्रोसेशन में उनकी उपस्थिति को नहीं मानते। नंबर तीन। 2015 में मेक्सिको के एक चर्च में ऐसी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई जहां ये देखा गया कि जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की आंखें खुल रही है, बंद हो रही हैं। जिसने भी इस घटना को देखा उसने इसे जीसस क्राइस्ट का चमत्कार माना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि ये किसी प्रोफेशनल एडिटिंग का कमाल है। नंबर चार। चीन का लिंग क्वीन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर में गुआइन देवी की मूर्ति स्थापित है। आसपास के निवासियों में इस मंदिर को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित है और लोगों की इस मंदिर में बड़ी आस्था भी है। गुआइन देवी के प्रति यहाँ के लोग बड़ी श्रद्धा भरी भावनाएं रखते हैं, लेकिन सन 2009 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके इस विश्वास को और अधिक बढ़ा दिया। देवी की मूर्ति की आंखें कैमरे में खुलती और बंद होती हुई रिकॉर्ड की गई। जहाँ देवी के मानने वाले इसे चमत्कार मान रहे थे, वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि ये किसी एडिटिंग का कमाल है। नंबर पांच। हमारे देश में भी ऐसी एक घटना दक्षिण भारत में घटी। चेन्नई के श्री निध्य सुरभि सांधना मझाई साई मंदिर में एक ऐसी घटना देखने में आई। मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में रात के समय रिकॉर्ड हुई घटना जिसमें ये देखा गया कि साईं बाबा की मूर्ति पर एक माला चढ़ी हुई है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरी, जिसे देखकर ये लगा कि माला को किसी ने जानबूझकर नीचे गिराया है। जानकर बताते हैं कि ये घटना मंदिर के पुजारियों की तकनीक का कमाल हो सकती है, लेकिन साईं बाबा में आस्था रखने वाले लोग इस बात को नकारते हुए इसे साईं बाबा का चमत्कार और कृपा मानते हैं। इस घटना के बाद साईं बाबा के मंदिर में भक्तों की संख्या 10 गुनी बढ़ गई थी। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस तरह के इन तमाम चमत्कारों के विषय में आपका क्या सोचना है? अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर हमें जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।